घर है कहाँ? उनका घर है कहाँ आप बता दीजिए, अगर रायबरेली की जनता ने उनका घर, उनका कोई बता दे, उनका जिला कौन सा है कोई बता दे, किसका? राहुल गांधी का। कोई यहाँ जनता जो भी खड़ी है बता दे कि उनका घर कहाँ, उनका जिला कौन सा है, वो रहते कहाँ है, रायबरेली में कब दिखाई पड़ते हैं, कब आए हैं रायबरेली में, उनका घर जो एक गेस्ट हाउस बनाए हैं केवल माननीय सोनिया गांधी ने बना लिया था कि हमारा संसदीय क्षेत्र है इसलिए, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। उनको तो यहाँ पता नहीं कैसे आ गए वो, कैसे कैसे आ गए, मतलब पता नहीं कैसे आ गए, मतलब आप सोचो कि इनका जिला कौन सा, आपको पता है किस जिला रहने वाले हैं? वोटर आईडी कार्ड में होगा, वोटर तो आपको पता है या किसी को पता बता दीजिए इनका घर कहाँ है। जनता मिलने कहाँ जाए, जनता कहाँ जाए को मिल जाए, अगर जनता मिलना चाहे सांसद से तो कहाँ जाए कि वहाँ मिलने हो, एक अठारह बता दीजिए या राहुल जी बता दें कि हम लोग वोट दे देंगे, लेकिन उनसे मिलना तो जाए कहाँ ये बता, पता नहीं मालूम आप कहाँ भाई, कौन सा पता है आप बताइए, दस साल हो गया, दस साल में कभी दिखाई पड़े? राहुल गांधी आके बता दे कि रायबरेली में तहसील कितनी है, उनके नाम बता दे खाली, नहीं बता पाएंगे, आप पूछ लीजिए, आप कल उनसे पूछ के बताइए। अमेठी से लापता सांसद पाँच साल बाद तो ढूंढ पाए, अमेठी वाले की रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, ऐसे लापता सांसद को क्या करेंगे लेकर के, फिर लापता हो जाएगा। पूरे देश में जनता की समस्याएं सुनते रहते हैं ना, तो इस वजह से हर अपनी समस्या सुन ले राहुल गांधी, आप ये बताओ जब वो कह रहे हैं अपनी तो सुन नहीं पा रहे, पड़ोसी की कौन सी समस्या वो कह रहे हैं, वो तो उनसे पूछो, खुद ही मिसगाइड है। वो कह रहे हैं कि अब की बार फिर मुझे मौका दीजिए, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। 70 साल उन्होंने क्या किया, 70 साल उनके पास थे, क्या किया उन्होंने, अब उनको 5 साल मिल जाएंगे तो क्या कर देंगे? अच्छा ये सवाल बड़ा पूछा जाता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, काहे 70 सालों के पीछे पड़े हैं, आप मौका दीजिए नई पीढ़ी, मौका कितना मौका दिया जाए, अरे भैया देश को बर्बाद कर दिया, अभी मौका दिया जाए, क्या बात करते हो आप, क्या बर्बाद किए देश, बर्बाद आप ये सोचो कि इन्होंने किया क्या, हमको आप ये बता दीजिए उन्होंने किया क्या, कह रहा है सुई से लेकर के जहाज तक कांग्रेस पार्टी की देन, उन्होंने बनाया उनकी देन है भाई साहब, सुनिए 10 साल में जो हमारा देश पहुंच गया है आज किस नंबर पे है, दूसरे तीसरे नंबर पे है, ठीक है ना, तीसरे नंबर पे है, पांचवें मान लीजिए पांचवें नंबर पे है, उसके पहले कितने थे उसमें था, वो डर लगता था, आतंकवादी आता था मार के चला जाता था, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा कि आतंकवादी यहाँ मार गया इसको गिरा दिया जाए, ठीक, ये उसका संरक्षण उसको देते थे, की तरफ मारा गया था, याद होगा आपको सेना के जवान में की जो है खोपड़ी काट के फुटबॉल की तरह खेलते थे और दिखाते थे वीडियो बना के, वो दिन आप लोग भूल गए, याद करो भाई, आज कम से कम आतंकवादी डर तो रहे हैं कि कौन है, पहले कहाँ डरते थे, आतंकवादी खेलते थे, सेना के साथ खेलते थे पैरों से फुटबॉल की तरीके, फुटबॉल खेलते थे, याद है वो दिन। राहुल गांधी कहते हैं कब्जा कर ले रहा है चीन और इधर से सारे तो बहुत कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी फिर वही आप के विधान उसमें खड़े हैं हम सीट पे तो यही वो उनकी सीट कहाँ है, वो तो हर जगह सीट भाग भाग रहे हैं उनकी सीट है भैया उनकी कहाँ सीट है जनता की सीट है। ऐसा बेरोजगार आदमी पहली बार देखा राहुल गांधी को कि चार्टर्ड प्लेन से सब कर रहा है प्रचार और कह रहा है मैं बेरोजगार हूँ कोई व्यापार नहीं और विश्व का सबसे धनी व्यक्ति आप बताइए ऐसा बेरोजगार व्यक्ति जो चार्टर्ड प्लेन से आता है और बिस्लरी का 4,000 लीटर का पानी पीता है और कहता है मैं बेरोजगार हूँ और व्यापार के नाम पर 0 गांधी परिवार के पास नहीं बेरोजगार जनता है कहते हैं मतलब। और वो क्या रोजगार है उनके पास कौन सा रोजगार है बताइए राहुल गांधी के पास सबसे ज्यादा पैसा है नेता है बड़े कौन नेता है काहे की नेता नेता मतदाता बनाता है नेता आदमी नहीं होता हम बनाते हैं नेता बड़ा छोटा हमने उनको बड़ा बनाया हमने उनको छोटा कर दिया अब वो छोटे ही रहेंगे छोटा कर दिया अब वो छोटे ही तो बड़े हो रहे हैं कहाँ बड़े हो रहे हैं शादी हो नहीं रही है शादी हो नहीं रही है आप बड़े किए डे रहे हो शादी हो नहीं रही है बड़े किए डे रहे हो अभी तो उनकी बारात निकालेंगे रायबरेली से ना रायबरेली वाले इस बार चुनाव नहीं लड़ा रहे उनको उनके लिए एक लड़की ढूंढ रहे हम लोग सही मजाक नहीं सही अमेठी वाले बेचारे नहीं ढूंढ पाए अब हम लोग को दिया उन्होंने राइट हम लोग ढूंढ को एक लड़की दे देंगे आपकी देख लीजिए मजाक कर रहे कह रहे हैं लड़की देख रहे हो सही कह रहे हैं ये मजाक नहीं है सही कह रहे हैं कहा सही कह रहे हैं मजाक नहीं है तो मिल गई रायबरेली में लड़की हाँ हाँ अरे हम लोग ढूंढ रहे हैं ना उनके लिए लड़की उनके हिसाब से भाई उनकी उम्र देखिए आप उम्र के हिसाब से लड़की चाहिए ना भैया 24 बसंत
नहीं देखे उन्होंने मुर्खानंद महाराज ने, वो मुर्खानंद महाराज है, मुर्खानंद महाराज क्या नहीं देखे उन्होंने? अभी 24 बसंत नहीं देखे, अभी उनकी बारात निकालनी है। 24 बसंत ये गांव का एक तरीके से शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? हम लोग बैसवारा के हैं, उनके आपकी हम क्यों हल्दी लगवा देंगे? हल्दी लगवा बिल्कुल, ऐसी हल्दी लगाएंगे कि दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देंगे। नोट कर लो आप, कहाँ जाएंगे? वायनाड। हाँ भाई, हिंदू रीति रिवाज में एक समय होता है, उसके बाद फिर जाएंगे वही मजार में बैठ करके फतवा पढ़ेंगे और निकाह कर ली से उनके बाप की रे, बाप फिरोज गांधी, बाप फिरोज गांधी, माँ कृष्ण पारसी मिक्सचर, जनेऊ टंगा है जैस में, जो पहरे रहे पिछले चुनाव में, कहाँ टंगा है? जने जैस में, जैसी के, जैसी की मजार में टंगा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, जाके देख लीजिए जनेऊ टंगा। अब फिर वो पहनने का प्रयास करेंगे, पिछली बार पहरे थे, अब जनेऊ गायब हो गया। आप एक चीज हमको बता दीजिए, हिंदू संस्कार के हिसाब से किसी भी शुभ काम को करने के लिए पहले क्या किया था? पूजन। वो बंदा क्या करता है? पहले क्या करते हैं? कार्य करता है, उसके बाद फिर पूजा करता है। अब की नामांकन में देख लीजिए, हम सूरज को पूजते हैं, वो पश्चिम को पूजते हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि वो मतलब कि आप नहीं आएंगे, चले जाएंगे, अगर आप लोग शादी आदि करा देंगे तो फिर ससुराल तो लेके आएंगे ही बहू को। देखो भैया, बहू को लेके बसवारे में कभी कदार दामाद आता है तो उसकी इज्जत की जाती है। बहू लेके रोज रोज आता तो क्या होता है, घर का नौकर, दामाद की यही इज्जत होती है। तो बहू आ जाएगी? कौन बहू? बहू के जब साथ जाए लेके जाए, देखो कोई लड़की पसंद तो करे पहले। बड़ी भारी समस्या है, बहुत बड़ी भी समस्या उनके लिए, उनको लड़की तो कोई पसंद करे। एक एक चीज और मैं आपसे कहना, इतने बड़े नेता और कह रहे हैं कि बताइए कोई पसंद करे नहीं, बताओ वो राम के विरोधी हैं, वो राम के विरोधी कौन लड़की को पसंद करेगी बताइए आप? प्रधानमंत्री का परिवार है वो, उनके घर में इंदिरा गांधी रह चुकी हैं। प्रधानमंत्री का परिवार तो वो राम का विरोध करेंगे भाई साहब? नहीं, प्रधानमंत्री का परिवार है तो राम का विरोध करेंगे, वो विरोध करके वो चुनाव जीतेंगे। कहाँ विरोध? कहाँ विरोध? नहीं और क्या, देखिए नहीं आप बताइए, उन्होंने उन्होंने विरोध नहीं किया, राम का विरोध नहीं किया उन्होंने? राम का विरोध किया ना, जो राम का विरोध करेंगे हम लोग उनका विरोध करेंगे और उनको उनके यहाँ विदाई कायदे करके भेजेंगे। विदाई? हाँ विदाई, उनकी विदाई करके भेजेंगे हम लोग यहाँ से। हाँ दोबारा दोबारा वो लापता सांसद कर पाएंगे, ऐसा सांसद है, नामांकन कराया 10 मिनट करके गायब हो गया, अब वो 5 साल नहीं आएगा। तो आएंगे फिर अभी जनता से मिलने? हाँ आएंगे, चुनाव में तो नहीं आएंगे। वायनाड रहेंगे कि रायबरेली? पहले ये बताए हो कि अगर वायनाड छोड़ेंगे कि रायबरेली छोड़ेंगे, ये बात उनको बताना चाहिए कि रहना रहेंगे रहेंगे। अच्छा एक मिनट हो जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा, लोगों की चीज़ें आ रही हैं, ये चलता फिरता रोड है इस वजह से थोड़ी सी, अब इधर आराम से तसल्ली से बात करते हैं। हम एक चीज़ आपसे कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ लड़ रहे हैं, वायनाड में जीतेंगे ठीक है, रायबरेली मान लीजिए जीत, वैसे जीत नहीं रहे, वैसे मान लीजिए जीत गए हैं, तो रायबरेली सीट छोड़ देंगे, वायनाड चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि मुझे प्रेम वायनाड से है, मैं वायनाड नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है, उन्होंने स्पष्ट कहा था। दूसरी बात, जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन आप देख लीजिए कोई कांग्रेसी उनके साथ था? हमारे रायबरेली जिले का कोई उनके साथ था? कोई नहीं, यहाँ तक कि जिला अध्यक्ष भी नहीं थे, मैंने देखा है, जो मीडिया चला रही थी मैंने देखा था। बड़े लोग स्टार लोग थे क्या भाई साहब? हमारे यहाँ भी स्टार लोग थे, हमारे यहाँ मंत्री जी आए थे, उप मुख्यमंत्री जी आए, बड़े लोग तो आए थे, सोनिया जी आई, प्रियंका जी आए, काहे के लिए बड़ी है बताइए जरा, क्या है? सांसद है ना वो, वो सांसद है तो है, प्रधानमंत्री तो नहीं है। 5 साल बीमार थी, अब कैसे आ गए? एक मिनट हमारी बात सुनिए, 5 साल तो बीमार थी, वो बीमारी वहाँ लेकर अभी कभी नहीं आई, अब बीमारी ठीक हो गई? अपना एक बुत बनवा दे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बुत बनवा के हर चौराहे पे लगा दे, उनको रायबरेली कभी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुत बनवा के अपने जो है स्टैचू बनवा के लगवा दे तो उनको रायबरेली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रायबरेली की जनता उनको माला पहनाती रहेगी उसी पे। स्टैचू लगवा दीजिए, अरे बस वही करती है और क्या भैया, कोई मतलब नहीं उनको, जब रायबरेली आने नहीं तो और क्या कहा जाए? लोकसभा जीतने के बाद अपना प्रमाण पत्र रायबरेली लेने नहीं आया
ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला सांसद होगा। हमको नहीं लगता कि देश में कोई ऐसा सांसद हो जो अपना जो है प्रमाण पत्र लेने नहीं गया हो। उम्र दराज हो गई इस वजह से नहीं आ पाए। उम्र दराज हो गई, सही आप कह रहे हो। आज से पाँच साल पहले उम्र दराज थी, आज वो नौजवान हो गई, अपने बेटे के लेके रायबरेली फिर से उसका जो है नामांकन करवाने आई। ये उससे अब ज्यादा नौजवान हुई है, पहले उम्र दराज थी तब अपना प्रमाण पत्र लेने नहीं आई, आज वो नौजवान हो गई हैं तब अपने बेटे को लेके यहाँ जो है नामांकन करवाने आई। ये जो है उनका कल्चर है। रायबरेली की जनता अब उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है और जो है काम वगैरह तो कह रहे हैं रायबरेली में बहुत हुआ सरकार में कांग्रेस का जब तक राज। बहुत अच्छा रायबरेली में कांग्रेस का काम था, एक काम देती थी फिर पाँच साल दस साल यहाँ लोगों को आपस में गोली चलवाती थी, वो आप एक दूसरे के दुश्मन हो जाते थे उसी काम में। और जो है ये कब हुआ गुंडागर्दी और ये कब हुआ? आप देखिए एम्स बन रहा था, इसमें कितने बार जो है ठेकेदारों में आपस में जो है वो हुआ, रेल कोच हुआ, उसमें कितने बार ठेकेदारों में आपस में जो है तनातनी और जो है गोलीबारी हुई। ये सब क्या है? ये जो है उन्हीं की मंशा और उन्हीं की देन है कि रायबरेली कि जनता लड़ती रहे, हमारे हम टुकड़े वहां दिल्ली से डाले और उसी टुकड़े के लिए वो लड़ती रहे और हमको पूजती रहे, तो उसके लिए जो है वो बुत बनवा दे, यहां लगवा दे, जनता उनको माला उसी पे पहनाती रहेगी। बुत मतलब वो स्टैचू जो कहते हैं। जी 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 राहुल गांधी कहीं किसी मंदिर में जाते हो, कहीं कहीं कुछ जाते हो, और सोनिया गांधी रायबरेली में जो है जितने दिन रही हैं, खाली बच्चा पैदा कर देना नहीं होता है, झंडा गाड़ देना नहीं होता है, होता है उसका देखभाल करना, उसके सारे कार्यकाल को देखना, वो बच्चा कैसे आगे जा रहा है, खराब हो रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे की परवरिश नहीं हो पाई, कुछ नहीं किया इन्होंने, जब से इंदिरा सोनिया गांधी आई कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी ये बताइए, आपने कहा अब राजनीति परिवर्तन हो गया, गांधी की एंट्री हो गई अब। जी 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 मतलब आप फिरोज गांधी जी की एंट्री हो गई राजनीति। जी हाँ, गांधी जी की, गांधी फिरोज गांधी से महात्मा गांधी के नाम पे, वही गांधी महात्मा गांधी का नाम गांधी जो है कैश कराना शुरू कर दिए फिरोज खान से। कांग्रेस ने इंदिरा जी जो है यहाँ शादी फिरोज खान से जो की थी उसके कारण यहाँ पे जो है जो विकास किया था, 10 घर बनवाई थी इंदिरा जी ने और सोनिया गांधी इनके परिवार ने 10ों घर को उजाड़ दिया, एक पेड़ जो है गाड़ दिया खाली एम्स का, एक पेड़ गाड़ दिया जो कहते रेलवे कोच का, खाली गाड़ दिया, कह दिया कि मैंने पेड़ गाड़ दिया, पेड़ सूखता चला जाए उसको कोई देखने वाला नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी भाई जो है अगर उस पेड़ को तैयार किया है तो नरेंद्र का काम नाम चलेगा कि सोनिया का चलेगा, ये बताइए। वाह, सोनिया का नाम चलना चाहिए कि उनका चलना चाहिए, ये बताइए। हमारी जनता जो है इस चीज़ को बताना चाहे कि जो है नरेंद्र भाई का नाम होना है कि जो क्या कहते सोनिया का होना है, बताइए आप। आप देखे बताइए भाई के हुई जनता हमारी कहे, हम क्यों कहें, हम तो जो बोल रहे हैं बोल ही रहे हैं। एक पेड़ जो है एम्स का गाड़ दिया, एक पेड़ का रेलवे कोर्स का गाड़ दिया, गाड़ने के बाद उसको जब पालन पोषण ना हो, पेड़ सूख जाए और देखभाल ना हो, उसका पैसा भी बर्बाद हो जाए पेड़ का। तो अगर नरेंद्र मोदी भाई ने जो है अगर इसका जो देखभाल किया, तैयार किया, उसमें करोड़ों जनता अरबों जनता उससे विकास का कर रूप में अपना कमा खा रही है, ठीक है ना। मंदिर की बात आती है, 150 साल की बात है, उसको सब कहते थे कि ये बीजेपी का कार्य है, ये बीजेपी कार्य करे, ये मंदिर बीजेपी बनवाए, अगर बीजेपी ने बनवा दिया तो क्यों सबकी फट रही है, क्यों सबका मंदिर में दर्शन कर फट रही है, मंदिर में जाने से दूर होते हैं, मंदिर में जो दर्शन करने से दूर होते हैं, मंदिर के नाम पे जो है कितना दर्द हो रहा है इनको अथाह।